बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज आपको कैरियर कंसल्टेंट आप सबसे पहली जो सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है वो है 476 वीज़ा होल्डर्स के लिए। 476 वीज़ा वाले इस टाइम उनको एक प्रॉपर कंसल्टेंसी चाहिए जो कि उनको गाइड कर सके पाकिस्तान में एप्लीकेशंस के बारे में नहीं, ऑस्ट्रेलिया आकर यहाँ पर सेटलमेंट के बारे में, आपकी कंट्री से डिफरेंट कंट्री से यहाँ पर आना 476 वीज़ा पे और उसकी सेटलमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और आपकी मुकम्मल कैरियर गाइडेंस, इसके लिए हम सबसे पहले सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर क्वाइट यूनिक जो कि आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी। आई डोंट नो, मेरे इस आइडिया के बाद, मेरे इस प्लान के बाद डिफरेंट लोग उसको कॉपी करें, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद दिस सर्विस जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेगी आपके फ्यूचर में और आपको हेल्प करेगी ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्विकली गो थ्रू करते हैं अपनी सर्विसेज को। नेक्स्ट वीडियोस में मजीद मेरी वीडियोस इसके ऊपर अपलोड होंगी, देखिएगा, उन्हें सुने और कंप्लीट सर्विसेज को जो है वो आप गो थ्रू करें, देखें आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे दोस्त मौजूद होते हैं जिनके ऑस्ट्रेलिया में कोई जानने वाले नहीं होते या कोई भी दोस्त अब आप नहीं रहते होते। हम आपकी हेल्प करेंगे अपने पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन के थ्रू जो कि हम 476 वीज़ा के अंदर देने जा रहे हैं। आपको दो काउंसलिंग सेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया के कल्चर और लाइफस्टाइल, यहां की सेटलमेंट, यहां की जॉब्स की नेचर और यहां पर आपकी ऑनगोइंग सेटलमेंट के बारे में आपको हेल्प आउट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी पर्सनलाइज काउंसलिंग की जाएगी, आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पर आना कैसे है, सेटल कैसे होना है, अकोमोडेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, सारी चीज़ों के बारे में आपको हेल्प किया जाएगा इन टू पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशंस फॉर अप टू 45 मिनट्स। ये हमारी नंबर वन सर्विस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द सेकंड सर्विस जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो है आपकी सेटलमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। आप बहुत सारे 476 वीज़ा होल्डर्स इस टाइम पाकिस्तान से डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है और उनके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से दे वेस्ट दिस वीज़ा। हम आपको इसमें कैसे हेल्प आउट करेंगे, हम आपका 1 आवर का काउंसलिंग सेशन विद आवर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट अरेंज करेंगे। उसमें आपकी टैलेंट, आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, आपकी प्रोफाइल देख के आपको एडवाइस और गाइड किया जाएगा कि आप कौन से स्टेट में मूव हों, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट रेगुलेशंस, डिफरेंट लॉज हैं, जिस कंट्री में आप आकर सेटल हो रहे हैं उस कंट्री में हर स्टेट का डिफरेंट रूल है। जहाँ पे इजी है, हम आपकी सीवी, आपका रेज्यूमे, आपकी प्रोफाइल देखकर आपको ये गाइड करेंगे कि आप कौन सी स्टेट में जाएं, कौन सी स्टेट में आपके लिए इजी पीआर है और कौन सी स्टेट में आप रहकर फ्यूचर में पीआर को अचीव कर सकते हैं। दिस इज आवर सेकंड सर्विस फॉर यू गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत सारे दोस्त ऑस्ट्रेलिया मूव करते हैं 476 वीज़ा के ऊपर जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, ऐसे भी दोस्त होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। वी गॉट यू कवर्ड, हम आपको उसमें किस तरह हेल्प आउट करेंगे, हम आपके लिए अप टू 1 आवर आपके लिए हम एक कैरियर काउंसलिंग सेशन रखेंगे जिसमें आपको डेडिकेटेड कैरियर कोच आपकी प्रोफाइल देख के आपको ये गाइड करेगा कि आपको कौन से सेक्टर्स में जॉब्स अप्लाई करने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की जॉब मार्केट, आपकी सीवी के ऊपर कमेंट्स दिए जाएंगे, आपको ये बताया जाएगा कि आपकी सीवी कैसी बनी हुई है, इसमें आपको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको कौन से सेक्टर में जॉब के चांसेस ज़्यादा हैं और किस सिटीज़ में आपको जॉब मिल सकती हैं। ये आपको एक पर्सनलाइज डेडिकेटेड आपको कैरियर कोच जो कि ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड होगा वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और आपकी यहाँ पे सेटलमेंट, इंजीनियरिंग कैरियर को परस्यू करना और यहाँ पर इंजीनियरिंग की जॉब करना और उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको गाइड किया जाएगा जो कि आपको 476 वीज़ा पैकेज विद द कैरियर कंसल्टेंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आप बहुत सारी जॉब्स अप्लाई करते हैं लेकिन जॉब से रिस्पांस नहीं आता, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉयर ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसे बनना चाहिए। आप जॉब्स अप्लाई करते रहते हैं लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, उसकी रीज़न यह है कि आपका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली नहीं है। हम आपको 476 वीज़ा पैकेज में क्या सर्विस देने जा रहे हैं कि हम आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव जॉब हंट प्रोग्राम इस पैकेज के अंदर अप टू 1 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सर्विस क्या करेगी, आपके लिए डेली बेसिस पे जॉब्स अप्लाई करेगी,
ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बना के आपका आपका रिज्यूमे टेलर्ड करके आपको आपके लिए जॉब्स अप्लाई करेंगे, प्रोफेशनल जॉब्स, इंजीनियरिंग जॉब्स, और दिस विल इंक्रीज योर सक्सेस रेशो और आपकी जॉब यहाँ पर हासिल करने के चांसेस ज़्यादा करेगी। दिस इज़ अ वेरी यूनिक सर्विस जो कि कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। हमने आपके लिए इस पैकेज में ये डिज़ाइन की है जो कि आपके चांसेस को बढ़ाएगी, आपका कैरियर, आपका ड्रीम, अगेन गाइडिंग कैरियर्स एंड एम्पावरिंग फ्यूचर्स, आपका फ्यूचर बनाने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये सर्विस हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 476 वीजा पैकेज में प्रोवाइड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया आकर आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है अगर आपने यहाँ पे जॉब करनी है या यहाँ पे आपने कोई भी बिजनेस करना है। बिजनेस यहाँ पर एक साइकिल चलाने वाले बंदे के जिसने खाना डिलीवर करना है वो भी बिजनेस कर रहा है, उसको भी ऑस्ट्रेलिया के साथ रजिस्टर करवाना है। इसका नाम है ABN और TFN, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर एंड टैक्स फाइल नंबर, जो कि आपके यहाँ पे टैक्स पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके उसमें मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो या तो रिजेक्ट हो जाती है या उसमें डिले आ जाते हैं। हम आपको 476 वीज़ा पैकेज में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम आपको ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड एक टैक्स एजेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अकाउंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको इसमें हेल्प आउट करेगा आपकी रजिस्ट्रेशन में, स्मूथ रजिस्ट्रेशन में, और आपकी यहाँ पर ABN और TFN को जल्द अज जल्द देने में, ताकि आप अपना यहाँ पर काम स्टार्ट करें। दिस इज गोना बी अ फ्री सर्विस फ्रॉम दिस पैकेज फॉर यू गाइस। आपको ऑस्ट्रेलिया में भेजकर आपके कंसल्टेंट्स आपको बाय बाय कर देते होंगे, लेकिन द कैरियर कंसल्टेंट्स विल नॉट डू दैट। आपको ऑन गोइंग सपोर्ट एंड फॉलोअप मिलेगा, आपको फॉलोअप करेंगे रिगार्डिंग योर सेटलमेंट इन ऑस्ट्रेलिया कि आपकी सेटलमेंट कैसी चल रही है। आपको गाइडेंस दी जाएगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और आपको एक फॉलोअप मिलेगा, आपको एक सपोर्ट फील होगी कि वी हैव समवन ऑन आवर बैक जो कि हमें एक इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि वी हैव टू गो थ्रू दिस थिंग, हमें यहाँ पे सक्सेसफुल होना है। तो हम आपको फॉलोअप देंगे इस वीज़ा पैकेज के अंदर जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पर सेटलमेंट होने में और आपके फर्दर यहाँ पे ग्रो करने में। सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद हम आपको अपना परमानेंट क्लाइंट तो बना रहे हैं, लेकिन अगर हम आपको परमानेंट क्लाइंट, अगर हम आपको अपना एक अच्छा क्लाइंट बनाने के साथ साथ डिस्काउंट्स ना दें तो ये नाइंसाफी है। जी हाँ, अगर आप फर्दर कैरियर कंसल्टेंट्स की कुछ सर्विसेज यूज़ करेंगे तो आपको बीइंग आवर डेडिकेटेड मेंबर, आपको हमारा मेंबर होने के साथ साथ आपको हम एक अच्छी डिस्काउंट डील्स भी प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर अगर आप वापस हमारे पास अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करवाने आते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए तो वी विल हेल्प यू इन दैट और हम उस पर आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल सिस्टम बहुत कॉस्टली है, यहाँ पर मेडिसिंस और यहाँ पर डॉक्टर की फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। इवन सम एम्बुलेंसेस कॉस्ट यू $3,000 to $4,000, उसके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आई एम रिपीटिंग, इंश्योरेंस 476 वीज़ा के लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आपने लेनी है तो लें, नहीं लेनी तो ना लें। लेकिन आई वुड रिकमेंड, अगर आपको इसमें इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, तो हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, अच्छे पैकेजेस आपको प्रोवाइड करेंगे 476 वीज़ा वालों के लिए। ये एक ऑप्शनल सर्विस है जो कि आप अपने इस वीज़ा पैकेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया लैंड करने के बाद आपको जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो है आपकी यहाँ पर सेटलमेंट इन रिगार्ड्स ऑफ योर इमिग्रेशन। सबसे पहला स्टेप जिसका स्किल्स असेसमेंट है, आपकी स्किल्स असेसमेंट आपके पॉइंट्स क्लेम करती है और पॉइंट्स क्लेम करने के बाद आप अपने फर्दर वीज़ाज़ के लिए प्रोसीड कर सकते हैं इमिग्रेशन वीज़ाज़ के लिए। वी विल हेल्प यू इन स्किल्स असेसमेंट, आपकी स्किल्स असेसमेंट करवाने से पास करवा के आपको पॉइंट्स क्लेम करवाने, हम आपको उसमें हेल्प आउट करेंगे। स्किल्स असेसमेंट वाला पॉइंट भी ऑप्शनल है, वो आप इस वीज़ा पैकेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बहुत यूनिक सर्विसेज हैं। एवरीवन इज़ नॉट प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हैं। कॉस्ट अभी पोस्ट हो जाएंगी पेज पे, आप देखिएगा कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में आपने परेशान नहीं होना, उसकी रीज़न, इतने पैसे आप ऑस्ट्रेलिया में आकर एक वीक के अंदर अर्न कर लेंगे, बट दैट मच मनी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन योर फ्यूचर। आप ये अपने फ्यूचर पे इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट द फिगर ऑफ मनी यू आर गोइंग टू गिव टू द कैरियर कंसल्टेंट्स।
लेकिन कैरियर कंसल्टेंट आपको इन रिटर्न एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि इस टाइम पाकिस्तान में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। जिस दिन आप यहाँ पे सेटल्ड हो गए, आपको जॉब मिल गई और आपकी पीआर होगी, आपको ये पैसे भूल जाएंगे, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि आपको किसी ने अच्छी सर्विस प्रोवाइड की थी। आई होप कि आपको मेरी सारी सर्विसेज की समझ आई होगी। नंबर्स पोस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, हम आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं, आपकी असेसमेंट्स कर सकते हैं और आपको फर्दर ऑप्शंस भी अगर एक्सप्लोर करने हैं तो हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज टूडे और आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज। आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए इंफॉर्मेशन और आपके लिए यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें शेयर की जाएंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे।